सो आदर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। मैं प्रगेश, आपका मैथ्स गुरु, फिर हाजिर हुआ हूँ आज आपके साथ दिवाली के आने वाले सुनहरे अवसर पर। आपको हमारे महिंद्रा परिवार से हार्दिक शुभकामनाएं एंड विशिंग यू ऑल टू परफॉर्म वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड प्रे टू हैव ग्रेट ईयर अहेड फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इसी स्पेशल इसी विश के साथ हम लोग मैथ्स में आज कुछ स्पेशल ट्रिक्स सीखने वाले हैं। एसएससी एग्जामिनेशन, सभी को पता है कि भाई एसएससी का जो अभी मेंस लगा है, सीजीएल का, वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में रिमाइंडर। इसके अलावा आप 2020 सीएचएसएल की भी वैकेंसीज आउट हो गई हैं, आप उसका भी नोटिफिकेशन चेक करिएगा। तो आप इसके लिए, आपको पता है कि एक नंबर सिस्टम में रिमाइंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हरदम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आज मैं उन्हें पढ़ाने वाला हूँ, उन्हीं प्रॉब्लम्स को, रिमाइंडर थ्योरम की उन्हीं प्रॉब्लम्स को, जहां पर आप तीन मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में सुनते हैं। तो आज सबसे पहले पहली थ्योरम आपके सामने है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है फर्मेट लिटिल थ्योरम। व्हाट इज द फर्मेट लिटिल थ्योरम और इसका यूज क्या है नंबर सिस्टम में, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड एन एंड पी आर को प्राइम नंबर देन एन टू पावर पी माइनस एन इज डिविजिबल बाई पी। अदर वे ऑफ स्टार्टिंग दिस एन टू पावर स्टेटिंग दिस एन टू पावर पी माइनस वन को जब पी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें हरदम वन मिलता है। अब मैं आपको इस बात को समझा देता हूँ, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि मेरे भाई अगर कुछ इस प्रकार से कोई भी नंबर हो, सपोज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ऊपर एक नंबर जो हो वो फोर लिखा है और नीचे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, नीचे जो एक नंबर है वो सेवन लिखा है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर तुम फोर को, फोर की और सेवन, ये जो दोनों नंबर हैं ये आपस में कोप्राइम हो, कोप्राइम सहअभाज्य जो संख्या है जिनका क्या एससीएफ क्या होता है, वन होता है। एससीएफ ऑफ फोर एंड सेवन, फोर एंड सेवन ऑलवेज क्या होगा, वन होगा। इट मीन्स ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। तो एससीएफ इनका फोर सेवन का वन होगा। एंड दूसरी कंडीशन उन्होंने लगाई कि जो ये नीचे नंबर है जिससे तुम डिवाइड लगा रहे हो डिनोमिनेटर में, इसको प्राइम नंबर होना चाहिए। और अगर ये प्राइम नंबर होगा मतलब डिवाइजर जिससे तुम भाग लगाओगे वो एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर कहता है कि प्राइम नंबर मतलब डिवाइजर की पावर माइनस वन तक, मतलब फोर टू पावर सिक्स तक, फोर टू पावर सिक्स तक मिलने वाला जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा ऑलवेज क्या होगा, वन होगा। डेट इज कॉल्ड फर्मेट लिटिल थ्योरम। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, आप किसी नंबर में, यहां पर अगर हम देखें कि एन और पी दोनों क्या हो, आपके को प्राइम नंबर्स हो, सहअभाज्य संख्याएं हो, और जिससे आप भाग लगा रहे हो, जिस डिवाइजर से भाग लगा रहे हो, जिसको आप पी रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो प्राइम नंबर हो, तो भैया एन टू पावर पी माइनस वन मतलब सेवन माइनस वन कितना, सिक्स। तो फोर एन टू पावर पी माइनस वन तक अगर आप पी से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, वन होगा। तो ये पहली थ्योरम है जिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जैसे हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 टू पावर 16। तो सबसे पहले तो देखो कि 45 और 17 क्या को प्राइम नंबर है, पहली कंडीशन है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या मतलब समान टेबल से, वन के अलावा किसी भी सेम टेबल से दोनों डिविजिबल ना हो, बिल्कुल नहीं होते किसी भी सेम टेबल से। दूसरी बात यहाँ पर बोली थी कि जिससे आप भाग लगा रहे हो ये पी, ये क्या हो आपका, ये आपका प्राइम हो, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और ये एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो फिर कंडीशन ये है कि आप 45 की पावर 17 माइनस वन मतलब 16 तक 17 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज वन आएगा। ये रहा पहली थ्योरम। सो हम कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे, फर्मेट थ्योरम पे करेंगे। फर्मेट थ्योरम के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वो होती है यूलर फंक्शन थ्योरम।
यूलर फंक्शन थ्योरम क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि जो डिनोमिनेटर जिस डिवाइजर से तुम भाग लगा रहे हो उसको क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। इस कंडीशन में वो कंडीशन भी हम हटा इस थ्योरम में वो कंडीशन भी हटा देते हैं। अब यहां पर मैं कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर में डिवाइजर है अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एन और पी को प्राइम है। वही सेम कंडीशन यहां पर भी लिखी हुई है, जरा देख लीजिए आप। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं क्या लिखा है कि एम एंड एन आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर आप किसी से भाग लगाते हो m की पावर m और n, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। पहली कंडीशन अभी भी सेम है, पहली कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन था कि n को क्या होना चाहिए, प्राइम, किसमें, फॉर्मेट में, लेकिन यहां पर प्राइम नहीं है। फिर क्या करने वाले, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस केस में सबसे पहले हम n को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिखेंगे, प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिखेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि जरा बताइए, अगर मैं तुमसे कहूं कि 12 को कैसे लिख सकते हैं, अगर डिवाइजर 12 हो तो 12 को 4 थ्री जा 12 होता है, मतलब 2 टू पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे ही तो लिखने वाले हैं भाई। अगर हम प्राइम नंबर की पावर में लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका एक पार्ट है नंबर सिस्टम का जहां आप उसे सीखते हैं, तो ये हो गया आपका कितना, 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1। तो अब ये वाला मेथड, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है हमको। तब एन को लिखने के बाद फिर हमें फाई एन फाइंड करना होता है, मतलब फाई ऑफ 12। फाई ऑफ 12 इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूलर फंक्शन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको टोसेंट फंक्शन भी कहते हैं, टोसेंट भी कहते हैं कि ये इसका टोसेंट है। तो इसका ये यूलर फंक्शन बोलो या इसको इसका टोसेंट बोलो, एक ही मतलब है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये 12 लिखना है इनटू इनटू। अब मेन फोकस करिएगा, जिसकी ये जिस प्राइम नंबर की पावर्स हैं, ये जो प्राइम नंबर्स हैं आपके, आपको कुछ नहीं करना है, 1 - 1/2 करना है। मतलब यहां पर अगर ए की पावर है तो ए लिखा जाएगा, इनटू 1 - 1/3 करना है। मतलब यहां अगर बी है तो बी की पावर बी नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखना सीखना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर ये 2 है तो 2 मायने में से 1 लेस कर दो तो 1/2 ही बचने वाला है, तो ये आ गया 12 * 1/2। अगर ये 3 है डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो 3 में से 1 लेस कर दो तो बचा कितना, 2, तो आप डायरेक्ट 2/3 लिख लीजिएगा। तो आप देख लीजिए ये नीचे 6 है ऊपर 12 है, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 * 2। देखिए 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और एक ऊपर 2, मतलब फाई ऑफ 12, टोसेंट ऑफ 12 या यूलर फंक्शन ऑफ 12 क्या होगा, 4 होगा। ये पहला काम है। अब दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि अब दूसरी चीज हम क्या कहना चाहते हैं, उस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। दूसरी चीज ये कहता है कि अगर आपने किसी भी फंक्शन का टोसेंट निकाल लिया, अब क्वेश्चन ये है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलूं यहां पर कि अगर क्वेश्चन ये होता, अभी एग्जाम्पल इसको बाद में करेंगे, ठीक, अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई 25 की पावर 12, या 12 भी मत करिए, 25 की पावर 16 कर दीजिए, 25 की पावर 16, इसको डिवाइड लगाना है 12 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कहते सर 12 से लगाएंगे 1 और 1 ही आंसर आने वाला है, लेकिन अगर हम यूलर फंक्शन से करेंगे तो हमें पता है कि फाई ऑफ 12 क्या होता है, 4, और 4 की अगर 4 होता है, फाई ऑफ 12 4 होता है, इसका मतलब ये है कि 25 की पावर 4 तक मिलने वाला जो रिमाइंडर है वो 1 होगा। और आप आगे भी लिख सकते हैं, मैंने ये एग्जांपल जानबूझ के लिया ताकि आप क्या कर लो, सेटिस्फाई कर लो। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको कि भाई 12 से इसको लगाएंगे बचेगा 1 और 1 की पावर 16 तो रिमाइंडर मिलेगा 1, लेकिन हम इसको इम्प्रूव करके दिखा रहे हैं यूलर थ्योरम से। यूलर थ्योरम ये कहती है कि भैया ध्यान से सुनिएगा कि एम और एन क्या हो, ये दोनों क्या हो, को प्राइम हो। देखो 25 और 12 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, लेकिन हाँ, जो
डिनोमिनेटर है जो एन है वो आपका प्राइम नहीं है, तो डजेंट मैटर आप फिर अगर प्राइम नहीं है तो फॉर्मेट ना लगा के यूलर लगा देना। यूलर कैसे लगाओगे? अब इस वाले क्वेश्चन में मत लगा देना, जिस क्वेश्चन, ये तो सरल क्वेश्चन ये ओरली कर सकते थे, बट जहां नहीं कर पाओगे वहां पर लगाना। तो भैया ये 12 का आप निकालना टोसेंट, और 12 का टोसेंट हो गया 4, मतलब ये है कि 25 की पावर 4 से हरदम रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 4 के देख लो कितना मल्टीपल है, यहां से रिमाइंडर मिलेगा 1, और 1 की पावर 4 करोगे, 1 की पावर 4 करोगे, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1, सो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो अभी जो एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो इसको समझा देते हैं। अच्छा 25, सबसे पहला काम है कि 25 को लिखो प्राइम नंबर की पावर में, तो 5 की पावर हो गया 2। पहले तो कंडीशन चेक कर लेना, क्या ये दोनों को प्राइम है? बिल्कुल ये दोनों को प्राइम है, बस यही एक कंडीशन होती, दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। अब 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे, 5 ऑफ 25 कितना होगा? तो 5 ऑफ 25 इक्वल्स टू 25 इनटू, मैंने क्या कहा था, इसमें से एक कम कर देना, तो कितना आएगा 4, 4 अपॉन 5 कर देना, सो इट विल बी 20। तो 5 ऑफ 25 बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया कि भाई 72 की पावर 20 जो है उसको अगर तुम डिवाइड लगाओगे 25 से तो रिमाइंडर मिलेगा 1। तो यहां तक तो रिमाइंडर मिल गया 1, बचा कितना, एक बचा, क्योंकि ये 21 था तो 20 यहां पर आ गया, तो 72 की पावर 1 बच गया। तो यहां से तो तुमको मिलने वाला है रिमाइंडर 1 इनटू, यहां से मिलने वाला है तुमको कितना, माइनस का 3 लिख सकते हो या 22 भी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको डिवाइड लगाओगे फिर 25 से फर्दर, सो आपका आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। लेकिन अगर मैं तुमको ये थ्योरम नहीं बताता तो यही छोटा क्वेश्चन इतना टफ हो जाता कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये दूसरी थ्योरम हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद जो आखिरी थ्योरम मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, इसको कहते हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम में कंडीशन क्या है, बस एक बात कंडीशन समझ लीजिए, आप कभी भी अगर डिनोमिनेटर आपका क्या है, प्राइम नंबर है, डिनोमिनेटर है आपका प्राइम नंबर, अब क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है तो आप देख लेना कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इससे एक कम p माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड लगाने पर, p माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर भी आपका p माइनस 1 मिलता है, ये आपका रिमाइंडर मिलता है, ये आपका शेषफल मिलता है। ये है विल्सन थ्योरम। ठीक है, मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि पी एक क्या है, प्राइम नंबर है, और उससे एक कम फैक्टोरियल को तुम पी से डिवाइड लगाओगे तो मिलने वाला जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, पी माइनस वन होगा, वो क्या होगा, पी माइनस वन होगा। ठीक है, बस ये थ्योरम बहुत रेयर ही है कि एसएससी में कभी आई हो, लेकिन अगर आ जाए तो आप इससे बच के रहिएगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे 40 फैक्टोरियल को 41 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर में रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक कम से डिवाइड लगाया है, एक कम हो क्या होगा, 41 से 40 होगा, और उसको 41 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पी माइनस वन, मतलब 40 ही मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। दैट इज कॉल्ड विल्सन थ्योरम, तो इसको हम लोग विल्सन थ्योरम कहते हैं। चलिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देगा, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 इज डिवाइडेड बाय 7। तो बताइए मुझे 4 टू पावर 857 को जब 7 से डिवाइड लगाएंगे सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, जल्दी से बताइए, यू हैव ओनली 30 सेकेंड। सो टाइम अप गाइज, यहाँ पर टाइम खत्म होता है, और आंसर है इसका 2। तो जिन जो लोग भी जब ये वीडियो प्ले हो और इसको देखें, अगर 2 आंसर आता है तो बिल्कुल सही आंसर है। कैसे किया होगा, तो पहली कंडीशन देखना, यहां पर आप कहोगे सर 4 क्या है, 4 और 7 क्या है, दोनों को प्राइम है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई कि दोनों को प्राइम है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कंडीशन नंबर 2, डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो भैया डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर हो गया, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, तो फिर क्या कहता है कि इससे एक कम, 4 की पावर 6, मतलब 4 की पावर 4
4 की पावर 6 को अगर आप डिवाइड लगाओगे 7 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा बाई फॉर्मेट थ्योरम। अब 6 का मल्टीपल है, आप इसको जरा 6 से डिवाइड लगाइए, 6 वन जा 6, फिर यहाँ पर 20। आपको एग्जामिनेशन में लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जितने 6 से डिवाइड हो उनको हटा देना और जो भी बच जाए बस वो लिख लेना। खैर पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। आप 6 से लगाएंगे, यहाँ पर 6 वन जा 6 कितना आ जाएगा, 2 इधर 25, 4 जा हो गया कितना 24, और फिर हो गया कितना 6 2 जा 12, तो बच कितना गया, तो बच गया केवल 4 की पावर 5। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहां से जो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा वो तो मिलेगा 1 इंटू 4 की पावर 5 से क्या मिलेगा, तो उसका बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसे कर लो, 4 की पावर को 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 टुकड़ों में तोड़ लो, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 16 इंटू 4, मतलब 4 की पावर 1, इसको 7 से भाग लगाओ तो यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 2, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और 16 को 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर तो भैया 14 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है भाई, 2 मिलने वाला है। तो ये इसका तरीका है। अब अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम आएगी नहीं तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप फॉर्मेट थ्योरम से बना सकते हैं। नेक्स्ट हाई लेवल थोड़ा चलते हैं, थोड़ा हाई लेवल एग्जाम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर कौन देने वाला है। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले इसका आंसर देगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 to power 5 5 5 to power 2 2 2 2 4 टाइम्स प्लस 2 2 2 2 to power मतलब 2222 टू पावर 5555 को अगर 7 से डिवाइड लगाते हैं तो बताओ मेरे भाई कि रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 10 9 सेकेंड 9 8, टाइमर बिल्कुल वक्त निकलता जा रहा है। और गाइस टाइम यहां पर हुआ अप और आंसर क्या है, 0। तो जिन्होंने भी 0 आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है भाई, कांग्रेचुलेशन आपका। अगर आंसर सही है तो भाई कैसे सॉल्व करने वाले हैं अब इसको भी देख लेते हैं। पहली बात, पहली कंडीशन, अगर आप 555 को 7 से डिवाइड लगाते हो, अरे 555 को जरा 7 से डिवाइड लगाओ, बताओ रिमाइंडर कितना मिलेगा, थोड़ी देर के लिए बताओ। तो 555 को अगर 7 से डिवाइड लगाओगे तो 50 यहां पर 49 आ जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, 49 के बाद 6 बचेगा 63, फिर कितना हो जाएगा 25 बचेगा, मतलब 25 को 7 से डिवाइड लगाओगे तो 4 बचेगा। तो अगर मैं बोलूं रिमाइंडर कितना बचेगा तो इस केस में रिमाइंडर 4 बचेगा। सेम अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई बताओ 2 2 2 2 को 7 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो इस केस में तुमको रिमाइंडर 3 मिल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, करने कैसे वाले एग्जामिनेशन में इसको किस तरह से लगेंगे। तो मेरे भाई जब तुम इसको डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर नंबर को डिवाइड लगाओ या पर्टिकुलर रिमाइंडर को लगाओ, यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो जब तुम इसको डिवाइड लगाओगे तो बचेगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 2 2 2 प्लस इसको डिवाइड लगाओगे तो बचेगा 3 और ऊपर क्या आएगा 5 5 5 5। अब कई सारे तरीके हैं इसके बाद, लेकिन अब मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूं, अब करने वाला हूं 27। अब लगेगी फॉर्मेट थ्योरम क्यों, क्योंकि जब तुम इसको डिवाइड लगाओगे तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और अगर जब तुम इसको लगाओगे तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर है और डिवाइजर आपका एक प्राइम नंबर है। सो फॉर्मेट थ्योरम यहां पर लगा सकते हो। अब आगे देखने वाले हम क्या आंसर आएगा, तो भाई इसके हिसाब से 4 की पावर 6 तक आपको मिलता है 1, तो भैया 6 के मल्टीपल, इसको 6 से डिवाइड लगाना और जितना भी 6 का मल्टीपल हो वहां से तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो उसको हटा देना। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि 6 की पावर जो भी बना था वो तो 1 हो जा रहा था, तो इसको 6 से डिवाइड लगाओ और देखो कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। तो जब तुम इसको 6 से लगाओगे तो आपका 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बचा हुआ इसके पहले जो होगा 2 2 2 2 0 से, वहां से तो आपको केवल कितना मिलने वाला है, वहां से आपको केवल 1 मिलने वाला है। अब 4 की पावर 2 बचा प्लस 3 to power यहां पर क्या मिलने वाला है, इसको भी 6 से लगाओगे क्योंकि भाई पावर 1 कम, p-1,
5550 तो पूरा हो जाएगा, 3 की पावर 5 बच जाएगा, बचा हुआ जो भी होगा उससे रिमाइंडर क्या मिलेगा? अरे उसके अलावा 6 का जो मल्टीपल होगा उससे तो 1 ही मिलने वाला है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अपॉन क्या आ गया? 7 आ गया। अभी ये है 16, और 16 को लगाओगे तो यहां से मिलेगा 2। अब इसको लगाने का तरीका अभी मैंने बताया था आपको, क्या करो 3 की पावर 3 × 3 की पावर 2 कर लो, या 999 करके कर लो। तो इसको 3 की पावर 2 करोगे तो 9 को तो आएगा 2, फिर 3 की पावर करोगे 2 मतलब 4, और फिर बचा कितना 3 मतलब 12, और 12 + 2 कितना हो गया 14, 14 को 7 से भाग लगाओगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो 0 इज द राइट आंसर। और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट ये फॉर्मेट थ्योरम क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाती है, तो आप फॉर्मेट थ्योरम से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, जो डिवाइजर है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप उन्हें गैस कर लिया होगा कि आप कौन सी थ्योरम लगाने वाले हो। स्टिल हम आपको 30 सेकेंड देते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले राइट आंसर कौन देने वाला है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 to power 127 इज डिवाइडेड बाई 49। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यूलर थ्योरम, यूलर फंक्शन थ्योरम आना चाहिए। सो टाइम अप गाइज, और देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसका आंसर आ रहा है भाई 13। तो जिन्होंने भी 13 आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। चलो देख लेते हैं भाई कैसे आया होगा इसका आंसर। तो देखते हैं, आपको पता है कि भाई सर ने एक थ्योरम बताई थी, यूलर फॉर्मेट यूलर फंक्शन थ्योरम, जहां पर ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, आपस में कोप्राइम, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो संख्याएं जो 1 के अलावा, जिनका एचसीएफ 1 होता है, या 1 के अलावा किसी भी सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होती। तो इस कंडीशन में आपको फाइव ऑफ 49 निकालना पड़ेगा, और फाइव ऑफ 49 कैसे निकालोगे, तो आप बताइए 49 को क्या लिख सकते हो, प्राइम नंबर की पावर 7 to power 2। तो आप क्या लिखोगे, 49, मैंने आपको सिखाया था 49 इंटू, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो तो बचा कितना 6/7, और इससे डिवाइड लगा लोगे अगर आप, तो ये आपका कितना आ जाएगा 42। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि 13 की पावर 42 तक 49 से डिवाइड लगाने पर बाई यूलर फंक्शन थ्योरम 42 तक आपको मिलेगा 1। तो अभी देखो 42 से जरा इसको डिवाइड लगाओ तो 3 टाइम्स तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अरे देख लो ना, 42 × 3 = 126, तो बचा कितना सॉरी तो बचा कितना आपका 13 बच गया। तो बस अब इसको आप देखेंगे तो यहां पर तो आपका मिल गया 1। अब बचा 13, 13 को 49 से डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड होगा नहीं, सो दैट इज द रिमाइंडर। तो आंसर क्या आ गया, 13। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज बहुत टफ हो जाता यही छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता होता इसका मेथड। सो गाइज, यही ट्रिक, यही कॉन्सेप्ट हरदम काम आते हैं, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करता हूं उन क्वेश्चंस को कवर करूं जहां पर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, बिल्कुल डिट्टो आप लोग इसको करिएगा, और इसका आंसर आपको घर से निकालना है, दैट्स द होमवर्क फॉर यू। और इसके आंसर को कहां पर आंसर देना है इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर लिखिएगा गाइज। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन है। तो आपके पास है इसको करने के लिए 30 सेकेंड। कोई नहीं कहेगा कि मैंने दिवाली में होमवर्क नहीं दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, और एक क्वेश्चन तो भाई बनता है ना दिवाली स्पेशल में, फोड़ देना पटाखा समझ के उसको। चलिए सो इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, आंसर इसका 5 है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम मैंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, टाइम और रुक गया था कि उसने भी कहा कि वक्त हो चला है, तो होते हुए वक्त के साथ ये सुनहरा, ये बेहतरीन दिवाली स्पेशल क्वेश्चन कैसे करने वाले, चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, हम रिमाइंडर थ्योरम से जब भाग लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे 25 से 23 को, तो आपको भी क्या पता है
आपको भी पता है -2 वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किस तरह से तोड़ना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये पहचानना कि ये दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर है, और ये दोनों नंबर अगर कोप्राइम है, ये दोनों नंबर भी कोप्राइम है, और तो इस हालत में ये लेकिन प्राइम नहीं है, तो आप यूलर फंक्शन निकाल सकते हो। तो 25 को लिखते हैं 5 की पावर 2, और अगर हम 5 of 25 पूछें, इसको टोसेंट भी बोलते हैं लोग, तो टोसेंट टोसेंट भी बोल सकते हो आप, टोसेंट थ्योरम से भी जाना जाता है, लेकिन मेनली इसका जो रियल नेम है वो यूलर थ्योरम है, ठीक है। तो अगर हम 5 of 25 बोलें कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको सिखाया था 25 into 5 में एक कम कर दो, मतलब 4/5 से डिवाइड लगाओगे, तो आंसर यहां पर 5 of 25 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। इसका मतलब ये है कि जब भी हम 25 से डिवाइड लगाएंगे तो 23 की पावर 20 तक भी आपको रिमाइंडर मिलेगा कितना, तो बस स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां पर जब आप लगाओगे इससे डिवाइड, तो 23 टू पावर 20 तक आपको 25 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। तो 20 के हिसाब से देखो ये मल्टीपल है, 20 से डिवाइड लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, यहां पर जब आप 20 से डिवाइड लगाओगे 720 को, तो ये जाएगा देखिए यहां पर 36, अरे 36 तक जाएगा, इनटू 23 बच जाएगा की पावर 2, ठीक है। यही तो बचेगा, थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम बच रही, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको क्लियर चीजें रहें और कंफ्यूजन ना हो। तो आप कहोगे सर 23 टू पावर, जब 20 तक आप करोगे तो बाई यूलर थ्योरम क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो 20 के मल्टीपल में इसको बना लो 722 को, तो ये 36 हो गया, इंटू 23 की पावर 2 बच गया। सेम ऐसे जब आप इसको भी डिवाइड लगाएंगे तो पावर क्योंकि सेम है तो 24। अच्छा दूसरी बात, इसको आपको डिवाइड लगाने की जरूरत है ही नहीं। पूछो क्यों सर, अरे भाई ये क्या है 24 और ये क्या है 25, तो भैया 25 से 24 को डिवाइड लगाओगे तो बाई नेगेटिव रिमाइंडर -1 मिलेगा। यहां पर हर जगह लगा क्वेश्चन में हर जगह टफ करने की जरूरत नहीं है, यहां यूलर थ्योरम की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर डायरेक्ट कहोगे सर -1 मिलेगा, और -1 की पावर 722 मतलब +1 होगा। अभी यहां पर डिवाइड लगाने वाले हम लोग नीचे किससे, 25 से, तो अभी यहां से तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 हो गया बाई यूलर थ्योरम 23। 23 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर 529, 529 में 550 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 9 बच जाएगा यहां से, आप देख लीजिए। जब आप इसको 25 से डिवाइड लगाएंगे तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया, आपकी पावर 2 बच गई, 23 की पावर 2, यहां पर फोकस करिएगा, यहां पर सो 529 होता है, 529 होता है, सॉरी हाँ 529 का अगर आप देखोगे तो 525 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और बच जाएगा 4, और यहां से बचेगा 15, और 5 को 25 से डिवाइड लगाओगे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि छोटा है, और अगर छोटा है तो फिर आंसर क्या आएगा, 5, सो द आंसर इज 5। तो बहुत सिंपल था गाइस, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो ही आप लगा सकते हैं। तो चलते चलते फिर आपसे क्या कहेंगे कि अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कह रहे हो सर जाते जाते ये बता दीजिए, ये बहुत परेशान करता है, सभी लोग कह रहे हो सर ये क्वेश्चन बहुत ही परेशान करता है, जब भी आपने इसको देखा होगा बहुत सारी कंफ्यूजन आती होगी, तो मैं आज आपको भी जाते जाते इसका भी एक शानदार ट्रिक देके जाता हूं। चलिए देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, देखिए फोकस करिए, ये दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर है, और ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या लगने वाली है, लगने वाली है यूलर थ्योरम। 5 of 9 क्या होगा, तो आपको भी पता है कि 9 को जब आप प्राइम नंबर की पावर में लिखोगे 3 का स्क्वायर, सो 9 into क्या बताया था, 1 कम कर दोगे तो 2/3 मतलब क्या आया, 6 आया, और सवाल कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर 25 की पावर 6 जो है, 6 जो है उसको जब 9 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा अब कॉक सर ये पावर 6 नहीं है, ये तो बहुत बड़ी पावर है मेरे भाई, जरा बताओ 25 को जरा 6 का मल्टीपल बनाना होता है, जरा 6 से मल्टीपल बनाओ, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1।
अच्छा 25 की बाबा, अरे एक ही तो बचेगा, 24 तक तो पूरा हो जाएगा। अच्छा 25 to power 25 का मतलब क्या होता है? 25 की पावर 25 का मतलब है कि 25 into 25 into 25 कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। तो यहाँ से भी एक मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा, यहाँ से भी एक मिलेगा। तो आपने ये सीखा कि आप चाहे कितनी बार डिवाइड लगाओ 6 से, आप चाहे कितनी बार 25 को डिवाइड लगाओ 6 से, आपको हरदम क्या मिलने वाला है? आप चाहे 25 की पावर 25 की पावर एंड 25 सो ऑन करते जाओ, इसको अगर 6 से डिवाइड कभी भी लगाओगे तो 6 चौक को 24। अरे यार ऐसे तो देख लो, 6 4 जा 24, 1, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या मिलने वाला? 1। तो मैं कहने वाला हूं कि जब तुम इसको 6 के मल्टीपल में बनाओगे, तो पूरा पूरा डिवाइड लगाओगे, तो केवल एक ही रिमाइंडर बचेगा, और बचा हुआ पूरा क्या होगा? 6 का मल्टीपल है, 6 से डिवाइड होगा, उससे तो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा 1, क्योंकि 6 इसकी पावर 25 की पावर 6 का मल्टीपल क्या देगा? 1। तो अपॉन 25 से आप 9 से डिवाइड लगाओगे, और 9 से जब 25 को डिवाइड लगाओगे तो 18 तक पूरा पूरा चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 7। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप, वैसे ना ये क्वेश्चन बहुत टफ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बहुत टफ है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत कर लोगे। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आपको देखना है ये 6 का मल्टीपल बनाना है। अरे अभी तक भी तो ऐसे ही कर रहे थे, अगर ये 25 की पावर 13 लिखा होता, केवल इतना लिखा होता, 9 से डिवाइड लगाना होता, तो आप इसको 25 की पावर 6 से डिवाइड लगाते तो ये 2 टाइम्स पूरा पूरा जाता, into 25 की पावर 1 लिखते, ये तो 1 हो जाता है, केवल आपको ये लिखना होता है। जो रिमाइंडर बच जाता है केवल वही तो लिखना होता है, बचा हुआ तो 1 हो जाता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, जब आप इसको डिवाइड लगाओगे, तो इसको जब 6 से डिवाइड लगाओगे तो 4 6 4 जा 24, तो 1 बचेगा, 1 की पावर चाहे कुछ हो, रिमाइंडर 1 मिलेगा। मतलब इसके पहले तो तुम्हारा पूरा पूरा डिवाइड ही हो जाना है, सिर्फ 1 बचना है, तो 25 की पावर 1 बचना है, और 1 का मतलब तो उसको 9 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर टुच्चा सवाल रह गया, आपका 7 ही आंसर आएगा। इसको देख लेते हैं भाई आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। सो थैंक यू गाइस, दिवाली को एंजॉय करिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, जिन भी सीजीएल मेंस के एस्पिरेंट्स का मेंस का एग्जामिनेशन है 15 to 18, उन सभी को ऑल दी बेस्ट। होप जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका बढ़िया हो, मंगलमय हो, और एक नई सरकार, एक नई खुशी लेकर आए सरकारी जॉब के साथ। थैंक यू गाइस, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे आफ्टर दिवाली। थैंक यू सो मच।